नमस्कार, लोकमत खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश और आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। कमल हासन ने शुरू की अपनी राजनीतिक यात्रा, आज लॉन्च करेंगे अपनी राजनीतिक पार्टी। कमल हासन ने आज रामेश्वरम में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के अंतिम पड़ाव में हासन मदुरै में अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। आज सुबह कमल हासन को रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के स्कूल जाने का कार्यक्रम प्रशासन से अनुमति न मिलने की वजह से रद्द करना पड़ा। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी का बयान, यूपी भी अब सुपरहिट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने कहा कि जब परिवर्तन होता है तो सामने दिखता है। यूपी में इतने व्यापक स्तर पर इन्वेस्टर समिट होना, इन्वेस्टर समिट में इतने निवेशकों और उद्यमियों का एकजुट होना अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ कि वो अपने उत्तर प्रदेश को इतने कम समय में समृद्ध और विकास के रास्ते पर ले आई है। उन्होंने कहा कि अब यूपी विकास के रास्ते पर है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट में मिले चोट के निशान। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई कथित बदसलूकी और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के आरोपी विधायक अमानतुल्ला समेत अन्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव की मेडिकल रिपोर्ट में चोटों के निशान की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद सीएस प्रकाश के शरीर पर कई घाव हैं, कटने के निशान हैं और उनके चेहरे के पास सूजन है। वही इस मामले में विधायक अमानतुल्ला खान ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस तक जहां इनकाउंटर केस में गुजरात पुलिस के पूर्व डीजीपी पीपी पांडे को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया। इस तक जहां इनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को सीबीआई की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने पीपी पांडे को इशरत जहां इनकाउंटर मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। अहमदाबाद की एक सीबीआई अदालत ने बुधवार को कहा कि इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व पुलिस चीफ पीपी पांडे पर आरोप नहीं लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि पीपी पांडे पर अन्य पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ सीबीआई द्वारा इशरत जहां मामले में साजिश, अवैध रूप से कारावास और हत्या के आरोप थे। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे कैनेडियाई पीएम जस्टिन ट्रूडू, कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी की मुलाकात। भारत के दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुधवार को पंजाब पहुंचे। यहां उन्हें रिसीव करने पंजाब सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। इसके बाद ट्रूडो राज्य की पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। सिद्धू ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया। स्वर्ण मंदिर में उनके स्वागत के लिए शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे। ट्रूडो ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान ट्रूडो के साथ कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन भी मौजूद रहे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से ट्रूडो की मुलाकात के बारे में सिद्धू ने कहा कि इन दोनों की मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर से ट्रूडो की मुलाकात के बारे में सिद्धू ने कहा कि इन दोनों की मुलाकात 20 मिनट के लिए है, पर यह मुलाकात पंजाब को 20 साल आगे ले जा सकती है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ।